हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है। करवा चौथ पर इस बार बेहद शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग के साथ सिद्धि योग बन रहा है। इसके साथ ही शुक्र व बुध दोनों कन्या राशि में रहेंगे, जिससे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। पूरे दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर चांद की पूजा करती हैं और फिर पति का चेहरा देखकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के व्रत को बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दिन महिलाओं को व्रत में कुछ सावधानी बरतनी होती है, अन्यथा इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि करवा चौथ के दिन महिलाओं को किन मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर भूलकर भी ना पहने इस रंगे कपड़े, होगा घोर अपशकुन, सुहाग पर छाएंगे संकटों के बादल। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पति की लंबी आयु रहे और आपके पति को कुछ भी ना हो, तो ऐसे रंग के कपड़े करवा चौथ के दिन बिल्कुल भी ना पहने। महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखती है, लेकिन उन्होंने अगर उस दिन इन कुछ रंगों की साड़ियां पहन ली तो इससे उनके पति पर आपदा आ सकती है, संकट आ सकते हैं। करवा चौथ का त्यौहार हमारे देश में सुहागिन स्त्रियां बेहद धूमधाम से मनाती है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह त्यौहार बेहद ही खास और स्पेशल होता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती है। इस व्रत को पूरे दिन निर्जला रखना होता है। इस बार यह करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ का व्रत पतियों से जुड़ा होता है, ऐसे में इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार भी करती है, इसलिए इस दिन को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाओं को व्रत के साथ कपड़ों के चुनाव पर भी खासा ध्यान रख देना चाहिए। इस दिन महिलाओं को इन कुछ रंगों के कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनके पतियों पर आपदा आ सकती है। सबसे पहले है काला रंग। करवा चौथ के दिन शादीशुदा महिलाओं को काले रंग के कपड़े नहीं पहननी चाहिए। यह रंग अशुभ और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करते समय काले रंग के कपड़े पहनने से मना किया जाता है। हालांकि मंगलसूत्र और काजल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह बुरी नज़र से बचाता है। दोस्तों, सफ़ेद रंग। हिंदू धर्म में सुहागिनों के लिए सफ़ेद रंग पहनना अशुभ माना जाता है, इसलिए करवा चौथ पर शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद रंग के कपड़े कभी भी नहीं पहननी चाहिए। इसके साथ ही इस दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों जैसे दही, दूध, चावल या सफ़ेद वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन भूरे रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग सैडनेस से भरा रंग माना जाता है, इसलिए सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ पर इस रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। लाल रंग सुहागिन का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में अगर सुहागिन स्त्रियां लाल, मेहरून, हरे रंग की साड़ी पहनती है तो यह उनके लिए बेहद शुभ है। इस रंग के कपड़ों से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन महिलाओं को भूल कर भी काले, नीले, सफ़ेद और भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इन रंगों के कपड़े पहनना अशुभ माना गया है। ये रंग तेज को कम करते हैं। इस दिन महिलाओं को शुभ रंग जैसे लाल, पीले, हरे आदि रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। वहीं नवविवाहित महिलाओं को इस दिन अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुबह के समय माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनको हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। माता पार्वती को लगाया गया भोग सबसे पहले सास को ही दें और इसके साथ ही कुछ भेंट स्वरूप चीज उनको दें। इस दिन महिलाओं को भूल से भी नुकीली चीज़ें जैसे सुई, धागा, कैंची, सेफ्टी पिन आदि का उपयोग करने से बचना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने मन को शांत और पवित्र रखना चाहती हैं तो भूलकर भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए।
मान्यता है कि मन में क्रोध और वाणी पर अपशब्द रखने वाली महिलाओं को व्रत का फल नहीं मिलता है। भले ही आप थाली सजाकर भगवान और चंद्रमा की पूजा करें, लेकिन भूलवश किसी का अपमान या किसी का दिल दुखाया है तो पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के दिन किसी भी सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद वस्तु ना दें और लें, ऐसा करना अशुभ माना गया है। चंद्रमा की पूजा से पहले सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे दूध, दही, सफ़ेद कपड़ा, चावल आदि चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए और ना ही किसी को दें। ऐसा करने से चंद्रदोष लग सकता है। साथ ही इस दिन सुहागिन की सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी आदि चीज़ों को बिल्कुल ना फेंकें। करवा चौथ के दिन महिलाएं भूलकर भी किसी सोते हुए इंसान को नींद से ना जगाएं और बुराई व चुगली करने से बचें। वहीं आज के दौर में कुछ महिलाएं ताश के पत्ते से खेलना पसंद करती हैं, ये गलत है। कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत के समय ऐसे काम करना शुभ नहीं माना जाता। बहुत सी कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन उनके लिए नियम अलग है। कुंवारी लड़कियों को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए और सुहागिन महिलाओं की तरह श्रृंगार नहीं करना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को चंद्रमा देखकर नहीं बल्कि सितारों को देखकर आराध्य देना चाहिए। इस दिन करवा चौथ पर करवा माता की कथा भी सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार एक गाँव में करवा देवी अपने पति के साथ तुंग भरदा नदी के निकट रहती थी। एक दिन करवा के पति स्नान के लिए नदी में गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और अंदर की ओर खींचने लगा। रक्षा के लिए उसने अपने पति को पुकारा। पति को मृत्यु के मुंह देख कर करवा ने एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को पैर से बांध दिया। पतिवृत्त पत्नी करवा के जाल में मगरमच्छ ऐसा बंधा कि हिलना भी मुश्किल हो गया। पति की हालत बहुत नाजुक थी। इसके बाद करवा देवी ने यमराज को पुकारा और पति की रक्षा का जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु देने का आग्रह किया। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, लेकिन तुम्हारे पति के यमलोक जाने का समय आ चुका है। करवा क्रोधित हो गई और ऐसा न करने पर यमराज को श्राप देने की चेतावनी दे दी। दोस्तों, यमराज ने करवा देवी के सतीत्व से प्रभावित होकर उसके पति की आयु में वृद्धि कर दी और उसने जीवन दान दे दिया। वहीं मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। कहते हैं कि इस घटना के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। मान्यता है कि इस दिन जो सुहागी ने पत्नी धर्म निभाते हुए निर्जला व्रत कर सच्चे मन से करवा माता की पूजा करती है, उन्हें अखंड सौभाग्यवती का प्रदान मिल। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।